प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 24 दिसंबर 2021 शुक्रवार का दिन है। पोष का माह चल रहा है। कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि 19:35 तक रहेगी। आज चंद्रमा सिंह राशि में है और 2 डिग्री पर विद्यमान है। आज यदि हम नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र है और नक्षत्र 28:10 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी केतुदेव है। आज कोई त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 11:08 से 12:26:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:46 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, रत्न हम कोई धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आपको आज अवश्य करना है। शुक्रवार का दिन है और केतु का नक्षत्र है, इसीलिए आज शाम के समय माता के मंदिर में घी का दीपक जला करके माता की आरती आज आपको अवश्य करनी है। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ भवानी, माँ जगदम्बे, किसी भी माता स्वरूप के सामने आप घी का दीपक जला करके उनकी आरती कर सकते हैं। आज ये उपाय आपको अवश्य करना है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने वेदों के संदर्भ में ही वो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक भी है। दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वेद हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, लेकिन आप जानते हैं ऐसा क्यों है? यदि दर्शकों मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक देश होता है, उस देश का अपना एक कानून होता है और उस देश में रहने वाले हर देशवासी को और जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी उस देश के अंदर उन कानूनों की पालना अवश्य करनी पड़ती है। और वो जो कानून होता है वो उस जनता के लिए, उस देश की प्रजा के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करने में। और वो कानून व्यक्ति के सभी मूलभूत अधिकारों को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है और उनके कर्तव्यों को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है। ऐसे में किसी भी देश के अंदर यदि कानून अच्छी तरह से लागू है तो उस देश की तरक्की का योगदान फिर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से इस संसार की रचना भी की गई तो उसके साथ भी एक कानून बना और वो कानून ही हमारे वेद है। इसीलिए वेद के अंदर इस सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक जीव विज्ञान से लेकर के वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, वर्ण व्यवस्था, हर विषय के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से वर्णित की गई है हर वो चीज जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है। फिर चाहे आयुर्वेद हो या वास्तु शिल्प कला हो, हर चीज हमारे वेदों के अंदर बहुत ही प्रमाणित तरीके से प्रस्तुत की गई है। इसीलिए वेद इस प्रकृति का वो नियम है, जिस नियम को यदि हम फॉलो करते हैं तो परमात्मा की, ईश्वर की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और हमें हर वो चीज प्राप्त होती है जो हम अपने लिए चाहते हैं। इसीलिए दर्शकों, वेद ना सिर्फ एक पुस्तक है बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके है। वो इस प्रकृति का नियम है और इस नियम को जिसने समझ लिया और अपना आचरण उसके अनुसार कर लिया उसे फिर ये प्रकृति कभी भी कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैंने आपको वेदों के संदर्भ में वो प्रमाणित बात आप लोगों के सामने रखी है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि वेद एक शब्द नहीं है बल्कि इस प्रकृति का नियम है, कानून है, और जिसकी पालना करने पर रिवॉर्ड मिलता है तो जिसका उल्लंघन करने पर आपको दंड भी मिलता है और वो भी प्रकृति आपके लिए तय करती है। आज के ज्ञान गंगा में दर्शकों मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से दशम का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:12:50 पर धनु लग्न बन रहा है। धनु राशि के अंदर ही बुध देव और सूर्यदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर शुक्रदेव और शनिदेव हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं। सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है और वृश्चिक राशि के अंदर
मंगलदेव और केतुदेव हैं। ये ग्रहों की आज परिस्थिति है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष उपलब्धि भी आज आपको प्राप्त होगी, मन के अंदर शांति का भाव भी रहेगा तथा किसी दूसरे की मदद करके आज आपको खुशी भी अवश्य प्राप्त होगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके दिमाग में कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ रहा है। आज दूसरों के साथ कुछ नए गठबंधन बने या दूसरों के साथ मिलकर के आपको कुछ विशेष खुशी प्राप्त हो, इसके योग भी बनते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज आपको अपनी सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, या यूं कह सकते हैं कि कार्य का बोझ आज आपको अत्यधिक महसूस होगा, ये योग आज अवश्य बन रहे हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से कार्य की अधिकता रहेगी, जिसको लेकर के थोड़ा सा आप परेशान अवश्य हो सकते हैं, लेकिन मित्रों का साथ भी आपको मिलेगा और उसके साथ के कारण से ही आज आप सभी कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाने में सक्षम भी अवश्य होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा के कारण से धन आगमन में सुगमता रहेगी, परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रहेगा तथा केतु के कारण से आज आप दूसरों के प्रति दया भाव भी रखेंगे और यदि कोई आज आपसे मदद मांगेगा तो आप मना कर ही नहीं सकते। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि मन में कुछ अशांति का भाव रहेगा, लेकिन फिर भी आज का दिन आपके लिए बेहतर परिणामों को लाने वाला है और इसका फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ विशेष उपलब्धियों को आपके लिए बना रहा है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी मेहनत इस तरह की रहेगी जो परिणामों को अपेक्षा से कहीं ज्यादा आपके लिए लेकर आ रही है। चंद्रमा के कारण से थोड़ा सा व्यय हो सकता है, मित्रों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन फिर भी आज का दिन आपके लिए विशेष उपलब्धि वाला अवश्य बन रहा है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कुछ नई चीजों को लेकर के इनोवेटिव आइडियाज आज आपके अंदर आएंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट आप करें, इसकी संभावना भी बनती है तथा जो आप करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा भी बनेगी और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी, ऐसे योग आज अवश्य बन रहे हैं। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि आज आपको मिल रही है, कार्य का विस्तार भी होगा, दिमाग के अंदर कुछ ऐसे विचार भी हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि भी अवश्य दिलाएंगे। दूसरों के साथ मिलकर के एक ग्रुप बना करके कार्य करने की प्रबल जिज्ञासा आज आपके अंदर देखी जा सकती है। सामूहिक नेतृत्व आज आप करें, इसकी संभावना भी आज अवश्य बनती है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन दूसरों के लिए समर्पित करने का है। आज आपको दूसरों की मदद भी करनी पड़ेगी तथा किसी को भी आज आप मना कर ही नहीं सकते। अपना धन खर्च करके भी आज आप दूसरों की मदद करेंगे, ऐसे योग आज अवश्य बन रहे हैं। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इच्छा पूर्ति के योग भी बन रहे हैं तथा मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करके आज आप कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करें, इसके योग भी अवश्य बन रहे हैं। चंद्रमा के कारण से थोड़ा सा मन भयभीत आपका रहेगा, लेकिन उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है, आज का दिन आपका बेहतर है और इसका पूरा फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। केतु के कारण से आज आप कुछ नया करने का प्रयास भी करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे, लेकिन मन आज आपका थोड़ा अशांत रह सकता है, इसीलिए मन को एकाग्र करके अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, आपको आज विशेष लाभ भी अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके भाग्य में वृद्धि भी कर रहा है और कुछ बेहतर और नया करने की प्रबल जिज्ञासा भी आज आपके अंदर अवश्य देखी जाएगी। चंद्रमा के कारण से मित्रों का साथ भी मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि भी आज अवश्य होगी, ऐसे में आज का दिन आपके लिए अच्छा है और इसका पूर्ण फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।